पुजुरुदेव केरवना से ही दमोह से श्री राजकुमार जैन कह रहे हैं, आज तलाक प्रथा हमारे समाज में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, साथ ही तलाक के उपरांत पुनर्विवाह चाहे बेटी हो या बेटा हो, इस संबंध में जैन आगम का क्या मत है और सामाजिक मौन इस कुप्रथा के बढ़ाने में सहयोगी हो रहा है, यह कहां तक उचित है, कृपया समाधान के। देखिए, तलाक तो भारतीय संस्कृति पर कलंक है, जैन ही नहीं संपूर्ण भारतीय परंपरा में तलाक को कोई स्थान नहीं है। हमारे यहाँ या तो विवाह है या वैराग्य, तीसरा कोई स्थान नहीं है। अगर विवाह किया है तो जीवन पर्यंत निर्वाह करो, और किसी वजह से वैराग्य हुआ है तो तुम निर्वृत्ति का रास्ता लो। वर्तमान में बहुत, जब से पश्चिमी जीवन मूल्य हम पर हावी हुए हैं तब से इस तरह की प्रवृत्तियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और अब तलाक तो आम बात हो गई। पति पत्नी को बदलना तो ऐसा हो गया जैसे कपड़े बदल रहे हों। विवाह हुआ नहीं, साल छः महीने हुए नहीं और तलाक की बातें शुरू हो जाती है, और उसमें भी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, और कानूनी पचड़ों में लोग एक दूसरे के साथ उलझते उलझाते हैं। ये सब चीज़ें कतई अच्छी नहीं है, हमें इन सब तरह की मानसिकता से ऊपर होना चाहिए। विडम्बना ये है कि समाज अब इस तरह की बातों में कुछ करने की स्थिति में नहीं है। पहले किसी के यहाँ तलाक की बात सुनने में आती थी तो सभी को आश्चर्य होता था, अब ये आम बनता जा रहा है। एक सज्जन ने मुझसे कहा, महाराज अब पहले हम लोगों को चिंता होती है बच्चों के विवाह की, और उसके बाद चिंता होती है उनको सेट होने की। दो पाँच दस साल जब तक वे अच्छे से निभ ना जाए तब तक मन में चिंता बरकरार रहती है, कहीं आपस में खटपट ना हो जाए और कहीं डाइवोर्स की नौबत ना आ जाए। ये एक बहुत विकृत चित्र है हमारी समाज का, इसे हमें दूर करना चाहिए। उस मानसिकता से समाज को ऊपर उठने की ज़रूरत है ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। जहाँ तक समाज का सवाल है, हमारे पूरे देश की स्थिति बड़ी विषम हो गई है। अब हमारी सामाजिकता दिनों दिन छीन होते जा रही है, जो हमारी समाज की सामाजिक प्रतिष्ठा थी, गौरव था, वो विनष्ट होता जा रहा है, क्योंकि अब कोई भी चेहरा समाज में ऐसा बचा नहीं जो सबको अपने पीछे चला सके, जिसकी बात सब मान सके। और इन मुद्दों पर भी लोग कुछ बोलना नहीं चाहते क्योंकि हमारे समाज का आंतरिक ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है, तो हमें उसे मजबूत करना होगा। अब पहले छोटी छोटी बातें भी होती थी तो उसको लेकर के समाज बहुत जागरूक रहता था, अब बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं तो समाज मूक दर्शक बन करके रह जाता है। मैं मानता हूं इन दिनों में हमारे यहाँ सामाजिक मूल्यों का जितना अवमूल्यन हुआ है संभवतः पिछले 50 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ होगा। और विडम्बना ये भी है कि इन दिनों जितना धर्म का प्रचार हुआ है और धर्म की प्रभावना हुई है, 50 वर्ष पहले ऐसी प्रभावना नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है सभी के मध्य चिंतन का कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक तरफ धर्म क्षेत्र में लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह की विकृत परंपराएं दिनों दिन अपना पांव पसार रही है। आखिर इस विसंगति से समाज को कैसे बचाया जाएगा? जब तक हम इसकी तरफ गंभीरता से विचार नहीं करेंगे, इस पर पूर्ण ध्यान नहीं देंगे, तब तक न तो हम समाज का सही विकास कर पाएंगे और न ही धर्म की प्रभावना या जीवन का कल्याण। हमें व्यापकता से समझने की ज़रूरत है, गंभीरता से समझने की ज़रूरत है, तभी हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। इसलिए मैं तो कहूँगा इस तरह की बातों को हतोत्साहित करना चाहिए। आज छोटी छोटी बातें तलाक का कारण बन जाती है। मेरे संपर्क में अनेक लोग हैं जो परिवार न्यायालय से जुड़े हुए हैं, कई पुलिस विभाग से संबद्ध अधिकारी भी हैं। वे जब आकर के कहते हैं कि ज़्यादातर तलाकों में कोई वजनदार बात नहीं होती, छोटी छोटी बातें और बड़ा विकृत रूप ले लेती है। कई लोग तो अपने अनुभव बताएं कि हम लोग एक दूसरे को समझा बुझा करके ठीक कर देते हैं। एक के तलाक की स्थिति तो आप सुनोगे तो हंसोगे, एक के पति पत्नी के बीच तलाक की वजह क्या थी कि तुम मेरे पेट को ठीक से नहीं देखते, यानी घर में कुत्ता पाल रखा था पत्नी ने, 1,00,000 रुपया महीना उस कुत्ते का खर्चा था। ध्यान से सुनना, 1,00,000 रुपया महीना कुत्ते पर खर्च किया जाता था
अब वो उसकी धर्मपत्नी ने तलाक लिया इसलिए कि पति उसके कुत्ते पर ध्यान नहीं देता। अब ये क्या विडंबना है, बड़ी छोटी छोटी बातें, आधारहीन बातें, उनमें लोग बुरी तरह उलझ जाते हैं। ये ईगो की बात आती है, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों किया, इस तरह की जो अहंकारपूर्ण बातें निरंतर बढ़ते जा रही है, उससे ऐसी विकृतियाँ दिनों दिन बढ़ रही है। मुझे तो लगता आने वाले दिनों में हमारी समाज, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म सब छिन्न भिन्न हो जाएगा, क्योंकि अब तो कुछ दिखता ही नहीं चाहे जिसके साथ ऐसी बातें आती हैं। और अब और एक कदम आगे बढ़ गए हैं, अब इस तरह की घटनाओं को देखकर तो लोग विवाह से ही दूर भागने लगे हैं। अब तो लिव इन का कंसेप्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कई महानगरों की रिपोर्ट मेरे पास है जहाँ भारी संख्या में युवक युवती हैं जो 30-35 साल के हो गए हैं, 40 साल के हो गए, अभी तक उन्होंने विवाह नहीं किया है और सब एक दूसरे के साथ बड़े आज़ादी से रह रहे हैं। ये कहाँ जा रहा है, इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। ये बात भी मैं एक संदर्भ में कहूँगा उन लोगों के लिए जो इस लिव इन जैसे कंसेप्ट को बहुत अच्छा मानकर आगे बढ़ रहे हैं। आज से कुछ दिन पूर्व एक महिला का, जो भारतीय महिला थी, यूके में रहती थी, उसका एक परिपत्र जारी हुआ, आप लोगों ने भी देखा होगा, पूरे देश में वो प्रसारित हुआ। उसमें उसने अपनी वेदना लिखी कि जब मैं यहाँ पहले आई तो मुझे यहाँ की स्वतंत्रता बहुत अच्छी लगती थी और ऐसा लगता था कि मैं यहाँ स्वतंत्र होकर बहुत काम कर रही हूँ और भारत में ऐसी स्वतंत्रता नहीं है, बंदिशें हैं, यहाँ चाहे जिसके साथ रहना, चाहे जिसके साथ घूमना, लेकिन अब जब मेरी उम्र 45 को पार कर गई है तब मुझे लगता है कि मैं निश्चित गलत हूँ, मुझे किसी एक का होके रहना चाहिए, मुझे किसी एक के साथ रहना चाहिए। उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने अपनी वेदना प्रकट की थी, वो शब्द सब मैं आपके बीच नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन ये बातें हमें ध्यान देने की है, ये बातें हमें समझने की है। और ऐसा हम समझेंगे तभी अपनी संस्कृति को बचा। संस्कार बचपन से ही बेटे बेटियों में कूट कूट करके भरना चाहिए। फेरे का मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ एक बात कही जाती है जो हमारे मूलभूत एथिक्स है, उसमें कि हमें कमिटमेंट का धनी होना चाहिए। हमारे यहाँ प्रतिज्ञा को बहुत महत्व दिया गया, ये कहा गया कि प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए। हम उस संस्कृति में जीने वाले पलने वाले लोग हैं, वे लोग जो अग्नि की साक्षी में साथ फेरे देकर जीवन पर्यंत एक दूसरे का साथ निभाने का संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, और वो 7 दिन बाद ही उसे तोड़ने की बात सोचने लगते हैं। और विडंबना ये है, माँ बाप और अन्य लोग भी कहते हैं ठीक है अब तो आजकल ऐसा होता है, चलो सेटल करने की बातें कम करते हैं, सुलगाने की बातें लोग ज़्यादा करते हैं। वो कमिटमेंट छिन्न भिन्न हो गया, छोटी छोटी बातों में स्वयं के द्वारा दिया गया इतना बड़ा कमिटमेंट हम तोड़ रहे हैं, जीवन में क्या प्रोग्रेस होगी, कोई प्रगति नहीं होगी। हमें चाहिए कि हम भावी पीढ़ी के हृदय में इस प्रतिबद्धता का पाठ पढ़ाएं, गहरे स्तर पर पढ़ाएं, उन्हें इस बात का अच्छे से एहसास कराएं कि कमिटमेंट का मतलब क्या होता है। और हमें एक दूसरे के लिए दिए गए वचन कैसे निभाने चाहिए, जब तक इन बातों को हम गहराई से नहीं सिखाएंगे तब तक व्यक्ति इस तरह की दुर्घटनाओं से दूर नहीं होगा। हमें अच्छा पाठ पढ़ाना चाहिए और एक दूसरे के प्रति पूरक और प्रेरक बनने की भावना बनकर के जीना चाहिए, भावना रख करके जीना चाहिए, तभी इसका सही लाभ होगा।